हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आपके जो थोड़े से डाउट सेशन थे, थोड़े टेक्निकल रीजन की वजह से थोड़ा डिले हो गया। बाकी मैं प्रॉपर डाउट लूँगा आपके। और जैसे कि मैंने देखा कि आप सबों ने, बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे अपना होमवर्क शेयर किया कि सर हमने करा है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप मन लगा के पढ़ रहे हो। और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये आपके पास बेस्ट टाइम है कि सब्जेक्ट को एकदम परफेक्ट बना सकते हो, क्योंकि अकाउंटेंसी आपके जीवन का एक बेस है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। इसी के बेसिस पे आगे चल के सारी चीजें डिसाइड होने वाली है। सब्जेक्ट तो देखो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे अकाउंटेंसी है कॉमर्स वालों के लिए। तो आज मैं सबसे पहले तो आप सभी से कहूंगा कि मैं आज आपको पास्ट एडजस्टमेंट के डाउट कराऊंगा। और काफी सारे बच्चों से मैं बोलता हूँ कि आप यूट्यूब पे इस लिंक को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, चैनल को, ताकि इससे कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले। पिछले क्लासेस में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, जैसे निखिल ने बताया था कि इसका आंसर ये है, और कुछ बच्चे वहां पे करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई बच्चे उस चीज को देख के रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो आप करिएगा ये और अच्छे से देखिए इसको। तो आप लास्ट क्लास में हमने एक गारंटी का कॉन्सेप्ट देखा था, गारंटी को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? पहले मैं पास्ट एडजस्टमेंट की बात करूंगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट में गारंटी में कुछ कॉन्सेप्ट बाकी भी है, उसको हम करेंगे। पहले पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट जो मैंने असाइनमेंट दिया है, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें कि रिया, मोना एंड निशा करके पार्टनर है। देखो ये सारी जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, तो ये कोई अलग से मैंने नहीं बनाया, ये टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास काफी पुराने बुक है 2016 का, तो उसके हैं। तो क्वेश्चन कभी बदलते नहीं, बस नाम बदल देंगे, अमाउंट बदल देंगे, डेट बदल देंगे। तो आप उससे मैच करके, बाकी मैं डिस्प्ले पे क्वेश्चन करूंगा, और डिस्प्ले पे आप ये साइड में क्वेश्चन देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना? डिस्प्ले पे सारा क्वेश्चन करूंगा। चलिए पढ़ते हैं, सामने आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश करा है कि आपको जितना इजीएस्ट वे में बताया जाए। तो इस क्वेश्चन में यूनिक क्या है? कहता है रिया, मोना एंड नीसा शेयर प्रॉफिट लॉसेस 3:1। क्वेश्चन में कहने का मतलब है जो तीन पार्टनर है उनका पीएसआर, रीना, रिया, मोना और थर्ड वन इज आपका निशा, तीन पार्टनर है और इनका पीएसआर जो दे रखा है हमें 3:2:1:1 ये होना चाहिए। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, ध्यान से सुनिएगा, 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, 1,40,000 और 84,000 और 1,06,000 रिस्पेक्टिवली, यदि 1,40,000, 84,000, 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक इक्वली ऑल पार्टनर, जो भी थे 3 साल में इन्होंने, ये 3 ईयर में, द 3 ईयर इन द डिसाइडेड करेक्ट एरर गिव जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन में मैं सिंपल सी बात बताऊं तो इन तीनों के ना 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, अब ईयर नहीं गिवन, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2 और ईयर नंबर 3, ठीक है ना? पहले साल का प्रॉफिट क्या है? 1,80,000। बताइए पहले साल का प्रॉफिट क्या है हमारा? पहले साल का हमारा प्रॉफिट है 140 और फिर है हमारा 84 और फिर 1,06,000, ये प्रॉफिट है। बस प्रॉफिट में मिस्टेक है, वैसे तो अलग अलग देखा है, अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें 3 साल का नहीं आया। तो समझिएगा, अब पहले साल का रेशो बटा 3ों साल में ये इक्वल ही बांटा। पहले साल का रेशो क्या था? यही था 3:1। सेकेंड ईयर का रेशो क्या था? 3:1। थर्ड ईयर का रेशो क्या है? 3:1, है ना? तो ये हमारे लिए बहुत इजी बन गया क्वेश्चन। थोड़ा टफ हमारे लिए तब बनता जब हमें 3ों साल का रेशो अलग अलग देता, तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। तो वो मैं कुछ अपने बनाए हुए क्वेश्चन, मैं थॉट वाले अलग से कराऊंगा, अभी पहले मैं डाउट ले लूं, ठीक है? तो 3ों साल का आपका है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गलती से इसके अकाउंट में हमने क्रेडिट करा हुआ है, किसके? आर एम। तो अगर इसके अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है तो पार्टनर को एक बार डेबिट डेबिट कर देते हैं तीनों को, और एक लास्ट हमें बनाना पड़ता है कॉलम, मैंने बाय मिस्टेक बनाया ही नहीं, तो ध्यान दीजिए एक कॉलम फॉर्म का भी बना लेते हैं,
है कि नहीं? एक कॉलम फर्म का ये डेबिट, ये क्रेडिट। आप इसको ना, फर्म को ना एक तरीके से P&L अप्रोप्रिएशन समझो, खर्चे सारे डेबिट, इनकम सारे क्रेडिट। तो 3 साल का जो प्रॉफिट था, पहले ये 3 साल का प्रॉफिट चेक करो कि कितना मिस्टेक टोटल हो चुका है। एक ही एंट्री में हम कवर कर लेंगे इसको, 1,40,84,000, 1,06,000, यानी 3,30,000। तो कहने का मतलब है 3,30,000 रुपए इन्होंने इक्वली बांट रखा है। तो इक्वली बांट रखा था, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल क्या होता है बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी। और ये क्रेडिट से प्लस होगा और डेबिट से माइनस होगा, ठीक है ना? इस बात को, और बड़ा ही सिंपल है ये, आपको 11th क्लास से मैं बता रहा हूं। तो इन तीनों ने बांट रखा है, पहले से बांटा हुआ है। तो आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर पहले से बांटा हुआ है तो फिर ज्यादा बांटा हुआ है, मतलब कि उसके पार्टनर्स में क्रेडिट करा हुआ है या डेबिट करा हुआ है? बांट रखा है यानी मैंने पार्टनर को प्रॉफिट दिया है। अगर हम पार्टनर को प्रॉफिट देंगे, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। अब हमें रेक्टिफाई करना है, तो गलत बांटा है तो डेबिट कर देना, यानी गलती से मैंने पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट किया हुआ है। अब ठीक करना चाहते हो तो सिंपल सा लॉजिक है, सर इसे डेबिट करो। किस रेशियो में बांटा? इक्वली। तो रॉन्ग प्रॉफिट आपका है, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डेबिट कर देते हैं, तो 1,10,000 आएगा ना। मैंने सारे क्वेश्चन कर दूंगा, अब कुछ बच्चों के क्या डाउट रहते हैं, कुछ बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर ये डाउट है, तो देखो मैं क्वेश्चन करूंगा और आप इसे ध्यान से देखें और फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। लेकिन फर्म क्या करेगा? अगर पार्टनर का डेबिट, तो फर्म के पास तो पैसा आ गया जो फर्म ने इनको दिया था, फर्म ने पार्टनर को दिया था, वापसी फर्म के पास आ गया, तो भाई 3,30,000 क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चे? ठीक है। अब इसमें राइट प्रॉफिट क्या होना चाहिए? राइट प्रॉफिट क्या बटना चाहिए? सर ये जो 3,30,000 है ना, इसको बांटना चाहिए इस रेशो में। लेकिन सर वो तो अलग अलग साल का है। तो देखो एक सिंपल सा तरीका है कि इसको भी आप इस रेशो में बांटो, फिर इसको भी इस रेशो में बांटो, फिर इसको भी इस रेशो में बांटो, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है? दूसरा हमारे पास प्रोविजन है भाई, हम तीनों इकट्ठा ही बांट देते हैं, क्योंकि देखो अब कुछ तो है नहीं, तो हम सबसे पहले टोटलिंग आपको पता है जैसे कि हमें किसका करना चाहिए, फर्म का। तो 3,30,000 और 3,30,000 फर्म में डेबिट है, 3,30,000 बैलेंसिंग फिगर है फर्म में डेबिट, 3,30,000। अब 3,30 डेबिट है फर्म के लिए, तो पार्टनर के लिए क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है ना? फर्म के लिए डेबिट तो पार्टनर के लिए क्रेडिट। किस रेशियो में पार्टनर में क्रेडिट होगा? ये PSR में। तो 3,30 को अगर मैं बांटू डिवाइडेड बाय 3:1, 6 × में 3, एक सेकेंड, 330 डिवाइडेड बाय 6 × 3, 1,65,000। तो पता है क्या, यहाँ डेबिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल में 1,65,000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। और सेम इसमें क्या होगा? 2, 1, 10, बड़ा ही सिंपल है, देखो ज्यादा लेंदी नहीं है। थर्ड वन में क्या क्रेडिट होगा देखते हैं, थर्ड का क्या है? 155। नाउ हमें क्या करना होगा? 55 हमें इनका डिफरेंस लेना होगा, तो मैं डिफरेंस ले लेता हूं सिंपली, थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो सकता है तो उसकी चिंता ना करें। तो डिफरेंस में देखो तो टोटल कहां का? 1,65, यही टोटल करेंगे 1,65। अब समझिएगा इसको, आप अच्छे से समझिएगा, कुछ बच्चे ना रट्टा मार लेते हैं डेबिट क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है? रिया को मिल चुका है कितना? 1,10,000 मिल चुका है, लेकिन एक्चुअली में मिलना चाहिए 1,65 कायदे के हिसाब से, क्योंकि कायदे के हिसाब से ये प्रॉफिट बटना चाहिए इस PSR में, जिसकी वजह से उसे मिलना चाहिए इतना, है कि नहीं? तो क्रेडिट होना चाहिए। तो आप बताइए रिया को और मिलेगा या रिया से लेंगे? आप ऐसे सोचो, आप पार्टनर हो,
आपने पहले गलती से अपने प्रॉफिट लिया अपने हिस्सेदार से, और जो आपने पार्टनर से गलती से जो प्रॉफिट लिया वो 1/10 लिया, लेकिन जब हमने सही किया तो आपके हिस्से में आ रहा है 1/65। तो आप बताओ आप प्रॉफिट और लोगे या कम लोगे? तो जवाब क्या आएगा आपका? सर पहले लिया अगर हमने 1/10 गलती से बटा हुआ, लेकिन सही बांटते तो 1/65, तो और 55,000 तो हमें चाहिए ना, तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट करो ना 55,000 रुपये, मुझे दो ना। सिंपल सी बात है। तो सिंपली हम देखेंगे तो हमारा क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट में डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस डेबिट में आएगा। तो डेबिट तो बैलेंस, जब डिफरेंस आता है ना तो उसका बैलेंस डेबिट नहीं होता। देखो पी एंड एल का प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस बताओ किधर आता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आता है डेबिट साइड में, लेकिन वो डेबिट बैलेंस नहीं होता, होता वैसे क्रेडिट बैलेंस है। तो डिफरेंस यहाँ आएगा हालांकि, तो डिफरेंस छोड़िए, डिफरेंस जो भी आ रहा है हम नीचे लिख देंगे। तो हम कर देंगे क्रेडिट, और क्रेडिट करेंगे 55,000। समझ में आई ना बात आपको? अब आप मानिए आपका नाम मोना है। हाँ भाई मोना, सुन रहे हो आप? मोना, आपको गलती से पहले 1/10 मिल चुके और अब भी 1/10 मिलने चाहिए। तो बोलोगे सर मुझे क्या फर्क पड़ना है, पहले जितने मिले उतने अब मिल गए। मैंने बोला बिल्कुल सही जवाब, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, तो आपकी तो कोई रोल ही नहीं है एडजस्टमेंट एंट्री करने में, है ना। निशा, निशा को मैंने बोला भाई निशा सुनो आपको पहले कितने मिले थे गलती से, आपने बोला सर 1,10,000। फिर मैंने बोला ओहो अब वैसे आपको 1/10 गलती से मिल चुका है, अब वो भूल जाओ, अब 55 मिलने थे आपको। तो आप बोलोगे हैं सर मुझे एक्स्ट्रा मिल गए थे पहले। हाँ एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो लाओ भाई वापस लाओ, आपको डेबिट करेंगे। तो जिधर का टोटल होता है ना, तो मैं नॉर्मली एग्जाम में, क्योंकि आपको दोनों चीजें होनी चाहिए, तो टोटल डेबिट का है तो हम इसको डेबिट ही करेंगे। और तो डेबिट कितना कर देंगे हम, 55,000 रुपये। तो देखिए बड़े ही आसान सा रिजल्ट क्या निकल के आया हमारे पास, हमारे पास क्रेडिट होगा रिया और डेबिट होगा निशा। तो हम जनरल एंट्री करेंगे यहाँ पे, और ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट होगा। जनरल एंट्री करेंगे निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट में करना है अपने, टू रियाज कैपिटल। अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो ध्यान रखिए इसको, हमें पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है तो नीसा कैपिटल की जगह पे नीसा करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अभी रह गए हैं इसमें, जैसे पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ये चैप्टर खत्म हो जाए, और लॉकडाउन में तो सब आप लाइव क्लास में आओगे ही आओगे, तो कोई डोंट वरी, इसमें कोई भी सोचना नहीं। बीइंग क्या लिखेंगे, पास्ट रजिस्ट्री एंट्री पास। तो समझ में आए बात आपको, अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को, और लाइफ में ये रियल लाइफ में बहुत काम आएगा। अब फटाफट नोट करिए, मेरे असाइनमेंट में तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 था, लेकिन कोई लिखने का फायदा नहीं है, मैं साइड में क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा ही एडिटिंग जब करूंगा। तो बाकी आप देखिए इसे, कोई डाउट है तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है ना। हम आज काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे लगभग लगभग डाउट क्लियर कर लेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। तो चलिए 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 नोट करिए आप फटाफट से। कर लिया नोट।